नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अभी बजे हुए शाम के 6 और मैं जा रहा हूँ खाने के लिए अमेरिकन रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो बफे सर्व करता है, उसका नाम है गोल्डन कराल। काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार अमेरिका का फूड दिखाओ। अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जाएंगे मिस्टर डेरिक। भाई यहाँ पे है मिस्टर डेरिक मेरे साथ में। हेलो मिस्टर डेरिक, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड मिस्टर संती ड्रीम्स, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। तो चलो भाई, आज की वीडियो में ना आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अमेरिका में ना वेजिटेरियन खाना किस तरीके का मिलता है और नॉन वेज। अगर आप लोग बफे प्लेस पे जा रहे हो, जिस प्लेस पे हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे बफे सर्व करते हैं लंच और डिनर। आई थिंक दे ओनली सर्व लंच एंड डिनर, राइट? On weekends I do breakfast. तो भाई वीकेंड्स पे आप लोगों को ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वाली सीरीज जो मेरी पसंद आती है ना फूड वाली, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा जब मैं अमेरिका में सब जगह पे ट्रेवल कर रहा हूँ, अमेरिका कनाडा में। तो मैं फूड के व्लॉग्स अलग से बनाया करूंगा, जैसे आज मैं बना रहा हूँ। सो हाउ फार फ्रॉम हियर? सर इट्स अबाउट 10 और 11 मिनट्स। 10 एंड 11 मिनट। तो भाई यहाँ पे है फोन, तो चलते हैं। और अभी जहाँ पर हूँ मैं, ये है राले नॉर्थ कैरोलिना। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे जो पेड़ है ना वो तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, उनमें से एक है ये पाइन ट्री। तो वो चाहे भैया बर्फ भी पड़ी हुई होगी तो भी ग्रीन रहते हैं। बट जो बहुत सारे ट्री हैं, देखो जैसे अभी ये बीच में ट्री हैं, इन पे कोई भी पत्ते नहीं है। बट अभी देखना आने वाले 15-20 दिन में इन पे सब पे पत्ते आ जाएंगे, जैसे इन पे आ गए। तो अलग अलग ट्री हैं, अलग अलग टाइम पे भैया उन पे पत्ते आने लगते हैं। बट मेरे को स्प्रिंग और फॉल सीजन दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। फॉल सीजन में भी आप लोग देखेंगे बहुत सारे कलर। ये देखो जामनी कलर यार, कितना प्यारा लग रहा है। वहां पे सारे वो वाले वाइट हैं। तो अभी भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सैम्स क्लब में। और ये मैं पहले भी आप लोग को दिखा चुका हूँ, सैम्स क्लब में क्या होता है कि यहाँ पे ना सब कुछ थोक के हिसाब से सामान मिलता है। अभी मुझे यहाँ पे से सिर्फ है ना एक ट्रैश बैग लेना है, उसके लिए मैं आया हूँ। यहाँ पे एक क्लियर ट्रैश बैग मिलते हैं काफी बड़े, तो उसके लिए मैं आया हूँ भाई। आप लोग को दिखाता हूँ, इसकी है ना आप लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फोटो लो, काफ़ी बड़ा स्टोर है। बट इस स्टोर में होता क्या है कि सब चीज़ें है ना आप लोगों को बड़ी मिलेंगी, कोई भी चीज़ है ना छोटी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे आप लोगों को कोई एक आइटम लेना है ना तो वो नहीं मिलेगा, सब बल्क में मिलेगा। जैसे थोक की दुकानें होती है ना वो है ये। और इनकी जो मेंबरशिप बताई है ना मैंने, $45 वाली होती है जो साल का हो गया, और एक होती है 100 ईयर की, वो भी साल की है, मगर उसमें ना आपकी डिलीवरी घर पे फ्री मिल जाएगी आप लोगों को। अब ये देखो, जैसे ये है ना चारकोल है, कोयला, तो ये भी है ना, मतलब देख लो ऐसे आपको मिलेगा जैसे सिंगल पैकेट में मिल जाता है हर जगह पे, बट ये भी आप लोगों को ऐसे डबल में मिल रहा है, सिंगल में नहीं ले सकते। और मैं दिखाता हूँ, मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को ऐसे ही मिलेगी यहाँ पे, कोई भी ऐसे सिंगल आइटम नहीं ले सकते आप। और है ना इनका यहाँ पे है क्लोथ डिपार्टमेंट, इनके कपड़े ठीक ठाक है। मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कंपनियों के कपड़े हैं, जैसे देख लो गैप कंपनी आप लोगों को पता है अच्छी है, तो ये कपड़े लेना सही है और रीजनेबल प्राइस है। देख लो गैप कंपनी की जो टी शर्टें हैं $12-13 में मिल रही हैं। कुछ ये खुद भी बनाते हैं वो अच्छी नहीं होती, बट जो बाकी कंपनियों का यहाँ पे सामान मिल रहा होता है ना वो सही रहता है। अभी देखो यहाँ पे जीन्स है, इनके पास लिवाइस की भी जीन्स आती हैं यहाँ पे, मैं पहले लेता था यहाँ से। देखो ये है शायद, ये रही भैया जीन्स लिवाइस की, तो ये मिल रही है $36 की। अब देखो जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे अगर आप एक सिंगल आइटम लोगे छोटा वो तो मिलेगा नहीं, वो छोटे वाला भी बहुत बड़ा बना रखा होगा। अब जैसे रेंच सॉस है, अभी देखो दो का इतना बड़ा पैक बना रखा है भैया। मैं तो जब भी यहाँ से लेके जा गया हूँ ना तो मेरा तो हमेशा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो इतना मैं खाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ से बड़ी वाली चीज़ें लेना ही छोड़ दिया है। देखो अब ये कैचअप है, 3 की कैचअप, ये देखो 3 का सेट ही लेना पड़ेगा जो $9 का पड़ रहा है। तो भाई बट ये 3 मेरे तो एक ही नहीं ख़त्म होएगा इतना बड़ा कैचअप का, मैं तो वैसे ही कम खाता हूँ, तो इस वजह से यहाँ से लेना उन्हीं के लिए सही है जो फैमिली वाले हैं। नहीं तो बहुत सारे अलग आइटम है जो मैं यहाँ से ले जाता हूँ वो तो सही रहते हैं, हर एक आइटम ही ऐसे मिलेगा। ये देख लो ये भी 2 का जोड़ा है, तो यही है भाई यहाँ का। बट कुछ आइटम है जो सही रहते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, मैं पहले बहुत खाता था आलमंड वाले, ये ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स जब मैं ट्रैवल करता था। बट ये भी देख लो भाई कितना बड़ा है, इसमें 30 हैं टोटल। और ये कितने का है, ये $15। फ्रीजर सेक्शन, और ये यहाँ पे ना मैं कुछ आइटम दिखाता हूँ जो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं अगर आप लोग नॉनवेज वगैरह खाते हो तो। भाई एक ये लो मेन है, नो डाउट भाई बहुत ज़बरदस्त है, आप अगर खा के देखना ज़बरदस्त आप लोगों को टेस्ट आएगा। और दूसरा ये है, ये चिकन पॉट पाए भाई, इतनी ज़बरदस्त है। इसको है ना 45 मिनट आप लोगों को रखना पड़ेगा 350 की हीट पे ओवन में,
और बड़ा जबरदस्त बनता है ये। Hi, scan your Sam's Club membership barcode now. फ्री में मिलेगा ये जो सैंपल है। आजा भाई कुछ तो आजा। लग रहा है आ रहा है। ये कह रहा है आई एम वर्किंग ऑन इट। आजा भाई मशीन ने। ओहो मशीन ने इतनी ज्यादा साउंड की, मेरे को लगा पता नहीं क्या आने वाला है, एक छोटा सा ही आया है ये। चलो कोई बात नहीं भाई, मिस्टर डेरिक को दे देता हूँ, उनको पसंद है। मिस्टर डेरिक यू वांट टू ईट दिस, इज योर फेवरेट राइट? आई'ल टेल यू या देयर गुड। तो भाई अभी यहाँ से है ना मैंने ये ले लिया है वाटर, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये लगा लो $20 में 24 बोतल है, तो लगा लो एक जो बोतल है ऑलमोस्ट प्रीटी क्लोज $1 के करीब है। तो ये मेरी काफ़ी लंबे टाइम चल जाती है, मतलब मैं दिन में एक या दो पीता हूँ, वैसे नॉर्मल वाला पानी पीता हूँ ज़्यादातर। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो कभी ट्राई करना, मेरा फेवरेट है। तो ये लेने के लिए आया था मैं यहाँ पे ना, प्लास्टिक बैग्स ये वाले, ये देख लो इसमें 50 गैलन आ जाता है। ये बहुत सही रहते हैं ये। अभी मैं ना जिस चीज़ के लिए ले रहा हूँ ना, थोड़े दिन में आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ। नहीं तो मैं वो लेता हूँ जो ब्लू वाले, वो जो वहाँ रखे हुए वो ले रहे हैं ना, वो वाले लेता हूँ। बट ये वाला मैं अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ, कोई काम है जो कि अभी थोड़े दिन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये है $24 गेम। तो देख लो मैं खाली ये लेने के लिए आया था, बट अभी फ़िलहाल दो ये भी ले लिए। यही होता है ये सुपर मार्केट है ना, ये इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि बंदा एक सामान लेने के लिए आए और 10-15 सामान लेंगे। देख लो वहाँ डोर से लेके पीछे तक सारा सामान रखा हुआ है जो नॉर्मल लोग खाने पीने वाला लेते हैं, और बीच में ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो के लोग मतलब चलते चलते सोच लेते हैं अरे ये भी लेना है ये भी लेना है। और मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को आता है अरे यार ये भी पता नहीं काम आ जाएगा, शायद मैं ले लेता हूँ। पहले तो मैं बहुत सारा सामान ले लेता था, बट आजकल मैंने ये दिमाग लगा लिया कि भाई इतने फालतू के पैसे नहीं खर्चने, जो कि मेरे को लगेगा ना कि अभी इमरजेंसी में चाहिए ही चाहिए, जिसकी ज़रूरत है वही लेके जाता हूँ। और यहाँ पे ना मशीनें लगी हुई हैं, आप अपना सामान खुद भी स्कैन कर सकते हो, नहीं तो है ना आप मोबाइल में इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, उससे स्कैन करके निकल जाओ। तो मैंने तो वही किया हुआ है ना, हमेशा इनकी मेंबरशिप लेता हूँ पेट्रोल की वजह से, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और इनका वहाँ पे पेट्रोल पंप है। और भाई जो इनका पेट्रोल पंप का जो प्राइस है ना, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। मतलब लगा लो अगर $3 कहीं चल रहा होगा ना, तो इनका हमेशा $2.50 या $2.60 होता है। तो इतना अच्छा प्राइस रहता है इन लोगों का। ये था भाई सैम्स क्लब का नज़ारा। अब चलते हैं, इसको रखते हैं अपनी वैन में और फिर चलते हैं भैया खाने के लिए। मिस्टर डेरिक कह रहे हैं बहुत तेज भूख लगी है, आज सारा खा जाएंगे। बोल रहे थे कि शंटी भाई आपने जो अपना वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट किया है, तो आप वापस क्यों आ गए अमेरिका में? तो मैंने बोला था यस मिस्टर डेरिक, आई जस्ट फिगर्ड आई शुड बी इन। तो भाई अमेरिका में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे, ये थोड़ी ना कि मैं कंटिन्यूस ट्रैवल ही करता रहूंगा, मुझे वापस घर तो आना ही पड़ेगा ना। और अभी जो मैंने यहाँ पे नया घर लिया है, आप लोगों को पता है उस पर काम चल रहा है, तो उस पर काम मैं तभी कराऊंगा जब मैं यहाँ पर रहूंगा कि भैया मैं उसको देख सकूं और उसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और भैया मैंने मिस्टर डेरिक को बोला था ट्रैवल करने के लिए, तो मिस्टर डेरिक एग्री है। सो डू यू वांट टू ट्रैवल सम वेयर? पोकीतो। पोकीतो या व्हेन यू लर्न स्पेनिश maybe Japan, Australia. Mm-hmm. Of course, I'll go back to India. Okay. Maybe a couple other places. I'm not sure yet. So, bhai, Mr. Derek, जो हैं वो कह रहे हैं कि वो जापान जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर दोबारा इंडिया जाना चाहते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो मिस्टर डेरिक को साथ लेके जाऊंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई यूरोप में लेके जाओ मिस्टर डेरिक को। मिस्टर डेरिक पहले ही यूरोप में घूम चुके हैं अपनी फैमिली के साथ में। अभी है ना मैं जल्दी ट्रैवल करने वाला हूँ, दोबारा अमेरिका से बाहर जा रहा हूँ, साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज में, फिर उसके बाद दोबारा अमेरिका में आऊंगा, फिर मैं वैन से अमेरिका में ट्रैवल करूंगा। दोबारा कैनेडा भी जाने की सोच रहा हूँ, तो काफी सारे प्लान है इस साल में मेरे। तो ये भाई पहुंच गए हैं वहां पे, जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना वो है गोल्डन कराल बफे एंड ग्रिल। तो भाई मिस्टर डेरिक ने ना मेरे को यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर बताया जो बहुत ही डिफरेंट है, उसके अंदर आप अल्कोहल वगैरह पी सकते हो, बार है, खाना खा सकते हो, मतलब ग्रोसरी स्टोर में। विच वन ग्रोसरी स्टोर ये साइड? आई फॉरगेट द नेम। इट्स कॉल्ड लोज़ फूड्स। इट्स अ लिटिल डिफरेंट देन द एवरेज ग्रोसरी स्टोर। तो भाई अगर आप लोगों को ये ग्रोसरी स्टोर भी देखना है तो कमेंट लिख देना कि भाई ग्रोसरी स्टोर की वीडियो बनाओ जिसके अंदर बार है, तो मैं वहां जाके भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं अमेरिका और कनाडा में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो उसके लिए ना मैंने एक बहुत बड़ी बैटरी खरीदी है जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अलास्का जाने की सोच रहा हूँ मैं, तो उस बैटरी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं इस गोल्डन कराल में। I like this battery. It's big enough for everything and it's small enough to move around where you need it. This is Alcatel P5000 charging station. It doesn't have to sit in one spot, and we'll show you a little bit about that. Number one, because I said it can move around right here.
there's a handle. See, I can lift it. It's a little bit heavy, but that's what the handle's for. Oh. See, it'll come out so you can take it around like luggage. That's pretty cool. So you can hold like that. And roll it. Oh, yeah, that's pretty smooth. And then it goes back in just by pressing the button. It's almost like carry-on. Actually, this looks like a luggage bag. Almost, yeah. You know, but it's much bigger and it is heavier than carry-on, okay? What's great about this is you can charge it by house power. Okay. You can charge it by solar power. Mm-hmm. See? 400 watts is what we've got right here. It'll handle that. It'll handle 1,000 watts. Mm-hmm. So you can double this. And you know what? I have on my van 400 solar panel, and this is 400 too. This is 400. So that is pretty enough, you know. Yep. 400 is very good solar panel to run my everything in my van. That's right. And that's basically what it's for. It's going to let you bring her in and out and do it whatever you want. You not only use it for your van, if you get an RV, you can plug it in. Mm-hmm. You can plug it into your house. There's a way to do it, and they can help you with that. But charging, I was saying the things we have, we got the solar, we got the electric. You can do electric charge. It'll charge fully in a little, right at 3 hours if you do quick charge. Oh, really? Yep, the whole thing. Then that's pretty good. Plus, it's got a switch where you can do a slow charge, which is usually a little better. Mm-hmm. Then you got right here is where your solar goes in. Uh-huh. And see, and there's the switch. There you go. See? Oh, okay. There's a switch which goes fast and quick charging for the electric. That's electric. And that's just a reset button. That's a breaker. Okay. So, okay. That's all that. That's pretty cool. That's what this solar panel will plug into right here. Mm-hmm. And like I said, you're up to 1,000 watts. And you can use that thing in so many places. The RV, your home, charge your Tesla with it, go camping. You can work with it in your shop, run your refrigerator. Input, you can charge this thing from the house in 3 hours, 1,800 watts charging. Do it from solar, 1,000 watt max, and it'll take you 5 hours. But if you do bi-directional, house and solar at the same time, 1.8 hours charging time. And you got 15 different ports to use in this machine. It has 1,400 watt seamless, uninterrupted power supply. It has current, volt, and temp protection. It has a 4,000-watt usage with a surge of 8,000-watt, and it'll last you 10 years. All right, plug my RV into this. Okay, where did you plug? Right here. Right here. Oh, plug it in. Oh, so means in my van, I can just put here and everything will work, yeah, right? Yeah, up to 30 amps. It's like a regular RV plug-in anywhere you go rent a camping site. 30 amps. That's just regular plug-ins, you know, for like lights and run a fan or a projector screen or something. A projector. I like this quality too. They have cover up. Yeah. You got two regular chargers, 2.4 amps, and you got two quick chargers. And then you got your little PD that's 100 watts, you know. That's, I love it, because nowadays everything comes with those, so it's have this, and this is then amazing. Then if you have some kind of like, this is DC side, some kind of cigarette lighter, auxiliary. Okay, that's pretty another cool. Another type of plug-in, yep. There you go. Yeah, that's I need for my refrigerator, so this is here too. And then when you're done with it all, you open the lid. Oh! So this made it like that. That's amazing. Yep. And this got two handles to carry, okay. And you see, it doesn't have to sit just like this. Mm-hmm. If you want to, just because it's where you're at. It's got the legs. Okay. You can turn it up here like that. Oh, that's pretty cool. Because here's the fans for cooling it, so they're pointing up, so no problem. You have the option to stand it up wherever you need it. You know, it depends. Sometimes it might be in a tight spot and you need it to stand up. Mm-hmm. But that's it. The Wikitail, 5120 watt hours. Mm-hmm. And it'll hold up. It'll start up to like 2200 watts. Mm-hmm. Okay. Well, you know it comes with a foldable solar panel. So you can come and go wherever you want, however you want to keep this thing charged. You don't always need electric power. This is pretty cool. I like the foldable solar panel. And then this one here folds. Oh, okay. And then this one here folds. Nice. Put around like a suitcase. This look like a suitcase. This here, we had it leaning against the van. But see, these here position out so you can angle it to the sun. I think now you're going to have to buy your own because I'm using this one. Derek, help me out. Let's put this in van. Where are you going to plan on taking it to? What states? See, I'm again traveling so many different states, and I'm thinking to taking this to Alaska. Okay. All right. So where are you planning to put it at in here? So I'm going to put this under my bed. And my van is connected to this battery now. And let's see how things will work with this. Oh, that's pretty good. See if that fan works up there. Yep. Okay, so everything is working, my TV, my lights, my fan, and is attached to my refrigerator too, it's working.
It would run your heater too if you needed it. Yeah, my heater is on. अगर ये बैटरी आप लोगों को खरीदनी है ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग बैटरी और सोलर पैनल खरीद सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक और चैनल है वैन लाइफ इन अमेरिका, जिसपे एक मैं खाना बना के दिखाता हूँ और उसपे मैं ज्यादातर कैंपिंग वगैरह सब चीजें करता हूँ। अगर वो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। ये वाला ट्रक भी मेरे को काफी कूल लग रहा है, मैं इसी तरीके का ट्रक लेने को सोच रहा हूँ जिसके पीछे ना कैंपर बन जाता है। तो ये भाई हम लोग आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे अंदर आने की एंट्री है आप लोगों को पहले देनी पड़ेगी, हर बंदे के $16 है प्लस टैक्स वगैरह मिला के, और अगर ड्रिंक लेते हो तो $20 पड़ जाता है, हम लोगों ने एक ड्रिंक भी लिया है। तो ये है भाई प्लेस, अब एक एक करके दिखा देते हैं, देख लो कितना बड़ा है। ये सब जगह बफे लगा हुआ है, अब अंदर आने के बाद आप कुछ भी खा लो। ये थी एंट्री जहाँ से हम लोगों ने की है। ये तो सैलेड का काउंटर है पूरा, मिस्टर डेरिक ने यहाँ पे प्लेट उठा लिया है। यहाँ का रूल है तो जब भी आप आओगे ना अपने टेबल पे से तो आप लोगों को फ्रेश प्लेट लेनी पड़ेगी, आप ये नहीं है कि अपनी गंदी प्लेट लेके आओ और तो यहाँ से आप ले रहे हो, तो ये आप लोगों को बोलेंगे हर बार आ रहे हो तो फ्रेश प्लेट लेनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे भाई दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये सब नॉन वेज और वेज मिक्स है। तो यहाँ पे बारबेक्यू है, राजमा है, बट राजमे में ना हमेशा देख लेना कि इन्होंने बारबेक्यू मिलाया हुआ, तो बारबेक्यू का मतलब क्या है कि हमेशा उसके अंदर पोर्क होगा, मतलब सुअर मिला हुआ होगा। व्हाट्स दैट मिस्टर डेरिक? फैट बैग। व्हाट्स दैट? फैट बैग। या इट्स जस्ट फैट फ्रॉम अ पिग। ओह, तो एंड व्हाट्स दैट? मैश्ड पोटैटो। मैश्ड पोटैटो। तो ये मिस्टर डेरिक ने मैश्ड पोटैटो ले लिए। ये मेरे बहुत फेवरेट है, ये है फ्राइड ओकरा भाई, भिंडी है उसको काट के और उसके ऊपर लेडी फिंगर्स राइट, भिंडी को काट के और उसके ऊपर इन्होंने मतलब ब्रेडिंग की हुई होती है, काफ़ी टेस्टी होता है। और यहाँ पे फिर दोबारा भाई चिकन आ गया, फ्राइड चिकन, अलग अलग पार्ट इन्होंने अलग अलग जगह पे रखे हुए है। ये भी फ्राइड चिकन है, ये लेग पीस है और वो था ब्रेस्ट। यहाँ पे मिस्टर डेरिक ले रहे हैं बटर, ये देख लो भाई अमेरिकन लोग किस तरीके से खाते हैं। ये आ गए हैं श्रिम्प, जो सबसे ज़्यादा मिस्टर डेरिक को मैंने खाते हुए देखा है और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसको हम लोग झींगा भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ गए हश पपी, फ्राइड फिश, और ये क्या है भाई, ये है बेक्ड फिश विद लेमन हर्ब सॉस, ये बहुत कूल लग रही है, ये ट्राई करूँगा मैं। और ये आ गया भाई ओसम पोर्ट रोस्ट, तो ये भाई किसी तरीके का बीफ है इसके अंदर, ये ब्रोकली और चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे ना ये डिनर में हमेशा ना ये कॉर्न बहुत ज़्यादा खाते हैं अमेरिकन लोग, इसको काट के और उबाल देते हैं, फ्लेवर वगैरह डाला हुआ होता है, बीन। फिर दोबारा चिकन आ गया, और ये हो गया आपका पत्ता गोभी, जिसको पत्ता गोभी को कैबेज देख लो ये लिखा हुआ। और ये भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोग आ रहे हो तो ट्राई करना, फ्राइड हलपीनो, जलपीनो जो होता है अपने वहाँ पे, काफ़ी टेस्टी होता है। यहाँ पे भाई लिखा हुआ है सी फूड केक, मेरे को लग रहा था ये आलू की टिक्की है, देख लो पूरी आलू की टिक्की लग रही थी। ये इन्होंने भाई यहाँ पे बीफ रखा हुआ है। अब मिस्टर डेरी की प्लेट देखते हैं। ओहो, योर प्लेट इज़ फुल मैन, हाउ मैनी प्लेट यू आर थिंकिंग यू विल ईट? फाइव। भाई मिस्टर डेरी कह रहे 5 प्लेट खा के जाऊँगा। चलो देखते हैं। अब ये आ गया भाई थोड़ा चाइनीज़ आइटम, जैसे नूडल्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, ग्रेवी रखी हुई है। ये वाला काउंटर पूरा वेज है, वहाँ उसको छोड़ के चिकन टेंडर्स को। अच्छा ये भी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर भी चिकन है, बट ये सब वेज है उधर जो है। फिर यहाँ पे आ गए हैं पिज़्ज़ा, एक वेज पिज़्ज़ा है, चीज़ पिज़्ज़ा और एक पेपरोनी। अभी मैंने आप लोगों को ये सब दिखा दिया है, अब मैं यहाँ से कुछ खाने का लेता हूँ। मिस्टर डेरिक बैठ गए हैं, और ये भाई मैं प्लेट बना के लेके आया हूँ, तो ये प्लेट देख लो, इसमें मैं अभी सारी अपनी फेवरेट चीज़ें लेके आया हूँ। देख लो एक और चीज़, अमेरिका में आओगे ना तो कभी भी आप लोग को स्पून नहीं देंगे, हमेशा फोर्क ही देंगे, फोर्क से ही सब लोग खाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनका श्रिम्प खाते हैं, तो ये है भाई जिसको हम लोग झींगा बोलते हैं, मैंने खाया काफ़ी टेस्टी था। मिस्टर डेरिक दिखा रहे हैं, मिस्टर डेरिक कह रहे हैं कि यार ये जो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम खाया था एक इंडियन ढाबे पे, मैं गया था न्यू जर्सी में तो वहाँ पे खाया था, मिस्टर डेरिक कह रहे हैं श्रिम्प देखते ही मेरे को हमेशा ढाबे की याद आ जाती है कि बहुत ही गंदा उन्होंने जो है श्रिम्प बना के मिस्टर डेरिक को दिए थे। मिस्टर डेरिक कह रहे थे वो वॉलमार्ट से खरीद के ला के दिए हैं, बट कोई बात नहीं भाई, मिस्टर डेरिक को दोबारा किसी इंडियन रेस्टोरेंट में लेके जाऊँगा जहाँ पे प्रॉपर अच्छा इंडियन खाना बनता है। तो भाई अभी मैंने ना फिश ट्राई की है, नो डाउट फिश बहुत अच्छी है, और ये इन्होंने ना सी फूड केक बनाया हुआ है। तो ये सी फूड केक में इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा है ना इन्होंने आटा सा मिलाया हुआ है, और जो सी फूड है वो तो बहुत ही कम है, मतलब
टेस्ट में ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेड खा रहे हैं। तो इसका जो मेरे को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, जितना मैंने खाना खाया ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अभी मैं दूसरी प्लेट लेने के लिए जाऊँगा। बट ये $16 में है ना, अमेरिका के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खाना है। मतलब यार इतनी सारे ऑप्शन थे खाने के, आप लोग देख रहे हो अनलिमिटेड खा सकते हो, यहाँ पे 2-3 घंटे आराम से बैठो खाते रहो। ये ड्रिंक है ना ये थोड़ी सी महंगी दे रही है, मतलब $3 की है ड्रिंक, बट इसमें भी क्या है कि अनलिमिटेड आप लोगों को मिलेगी, जब भी खत्म होगी तो वो फिल दोबारे करके जाएंगे। मैं ना खाने के साथ ज़्यादा ड्रिंक वगैरह लेता नहीं हूँ, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना कि भाई खाने के साथ कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए, चाहे पहले पी लो या फिर बाद में पियो कम से कम आधे घंटे के बाद। तो अभी हम मैंने यहाँ पे ड्रिंक है ना गलती से उनको मुंह से निकल गया कि भाई ड्रिंक, और यहाँ पे $3 एक्स्ट्रा लगे, नहीं तो $16 टैक्स लगता, ज़्यादा $17 का होता। और मैं ये बोलूँगा अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई नो डाउट वर्थ इट है, आप लोग अमेरिका में आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना। भैया प्लेटें भी है ना यहाँ पे गरम गरम है, और देखो इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ यूज़ ए क्लीन प्लेट जब भी आ रहे हो। तो भाई मिस्टर डेरिक देखो यहाँ पे ब्रोकली लिया और उसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं भाई, चेडर चीज़। भाई यहाँ पे आ गई, यू ओके मिस्टर डेरिक? Are you hungry? Yeah. Don't be wasteful. तो भाई यहाँ पे आ गया है खाना, यहाँ पे मिस्टर डेरिक दोबारे लेके आ गए हैं श्रिम्प, और यहाँ पे अभी अब सैलेड मिस्टर डेरिक का, और ये पता नहीं क्या बनाया है मिस्टर डेरिक ने, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सैलेड लेके आ गए एक ही बार में, और मिस्टर डेरिक है ना ये ले आए भाई। मैंने बोला था ना आप लोग को ये बुड्ढी के बाल बोलते हैं, तो यहाँ पे अमेरिका में बोलते हैं इसको कॉटन कैंडी। अच्छा यहाँ पे ना वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, उसका रीज़न ये है कि भाई ज़्यादातर जो है लोग नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा यार मोस्टली जगहों पे है ना टोफू मिल जाता है, बट ये यहाँ पे टोफू भी नहीं था। तो मतलब वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादातर जो खाना है ना वही है भाई, या तो सैलेड खा लो या जो मैंने फ्राइड ओकरा दिखाया था पोटैटो हो गया, इसके सिवाय ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो भाई अभी मैं वीडियो बना रहा था तो पीछे बच्चे बैठने लगे, वीडियो बनाते हुए देखते हुए कह रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लो। व्हाट्स योर नेम? इमानी। इमानी एंड लाइक द फूड हियर? ओके, विच इज योर फेवरेट डिश? फिश, चिकन, विच वन? स्वीट वन और नेशविल हॉट? फ्राई, फ्राई विल ट्राई दैट। नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। मिस्टर डेरिक आ गए हैं अपनी नंबर थर्ड प्लेट लेके, और ये है व्हाट इज कॉल्ड द कैरेट केक, राइट? तो ये भाई बहुत टेस्टी होता है कैरेट केक, और इसके अंदर है ना कैरेट से ही बना हुआ है ये पूरा जो केक है ना, और इसके अंदर मतलब फ्लावर वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। तो ये अपकमिंग मेरी वीडियोस के अंदर आएगा, मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैरेट केक। अब आ गया है फूड रिव्यू टाइम, मिस्टर डेरिक से पूछते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस मिस्टर डेरिक का कैसा रहा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर डेरिक ऑल ओवर एक्सपीरियंस? मिस्टर डेरिक ने हरियाणवी सीख ली मेरे साथ रहेगी। Overall, it's just okay. Mm-hmm. It's nothing extra special. Uh-huh. Okay. And for the price, I think it's a little pricey. What makes it different is there's so much different food. You can try different things, mm-hmm. find something you like, and enjoy it. And if you're with other people who have different food tastes, then it's easy for everybody to have a good meal and enjoy. And that's basically what it's about. तो मैं जैसे हमेशा चिपोटले पे जाता हूँ, मेरा फेवरेट फूड है अमेरिका के अंदर चिपोटले, $10 का आता है और वो भी कम से कम आप 2 टाइम आराम से खा सकते हो, इतना ज़्यादा खाना देते हैं। मगर ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारी वैरायटी है, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हो तो नो डाउट भाई इतनी सारी वैरायटी है, जैसे अभी मैंने खाया, मैं भी सब चीज़ें नहीं ट्राई कर पाया यहाँ पे, जितना मैंने ट्राई किया आप लोगों से शेयर किया, मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है $16 में। मतलब आप लगा लो आप अमेरिका में कहीं पे भी खाओगे ना तो $10 तो आप लोगों को देने ही पड़ेंगे, $6 और देगी, इतना सारा खाना है, कहीं स्वीट है, सैलेड है, अलग अलग तरीके का मीट है अगर आप लोग खाते हैं तो। बट अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो भाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो चलो आज की वीडियो में इतना था, अगर इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आने वाले टाइम में और भी इस तरीके की खाने की रिव्यू वाली वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। बाय। Sayonara. Sayonara.